पाखी और रोमिल को दूर करने के लिए शैतान अधिक अब करेगा ये नीच हरकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अधिक जैसा इंसान जिसने रिश्तों को कभी समझा ही नहीं, वो पाखी और रोमिल के रिश्ते को क्या ही समझेगा। अगर समझ भी ले तब भी उसके फायदे में क्या है उसके ऊपर वो ध्यान देगा, ताकि पाखी को और ज्यादा इमोशनली डाउन करे और पाखी उसका सच किसी को ना बताए, उसको हमेशा डिफेंड करती रहे। यही कुछ चाह रहा है अधिक, और उसको सामने दिख रहा है कि रोमिल बार बार उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा है, बार बार पाखी के पास जाके उसको उकसा रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है, तुम्हारा हस्बैंड वैसा है। तो दोस्तों, अधिक इसका तोड़ निकाल लेगा। जैसा कि आज हमने एपिसोड में देखा कि अधिक देख रहा है कि पाखी और रोमिल फिर से बातें कर रहे हैं, और ये अधिक को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए नहीं कि पाखी से बहुत प्यार करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि रोमिल पाखी से कहीं ज्यादा समझदार है। समझदार इन द सेंस कि वो समझता है कि अधिक क्या कर रहा है जो पाखी नहीं समझ पा रही है। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये अधिक नाम का शैतान दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं तो बार बार इस बात पे एम्फसिस करती हूँ दोस्तों कि क्या ये वही अधिक है। बार बार यही दिमाग में आता है, सोच के हैरानी होती है कि ये वही अधिक है। जब इसके साथ हमें बड़ी हमदर्दी हो रही थी और पाखी पे गुस्सा आ रहा था, जब ये सारे काम करता था, पाखी की डांट भी सुनता था, आज ये अधिक कितनी शैतानी हरकतें कर रहा है। रोमिल का इस घर में आना, समझ में आता है कि अधिक अपनी बहन के प्रति प्रोटेक्टिव है तो रोमिल से झगड़ा करता है, समझ में आता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कर रहा है अधिक, मगर जो पाखी के साथ कर रहा है वो तो बहुत ही अलग है। एकदम से पाखी उसको बुरी लगनी शुरू हो गई है, और इस हद तक बुरी लगनी शुरू हो गई है कि पाखी पे हाथ उठाना उसको कोई ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कर दिया, कि मुझे गुस्सा आया बेबी, मैंने हाथ उठा दिया बेबी, ऐसा। तो ये बेबी बाबा वाला प्यार जो इन दोनों के बीच में चल रहा है, जिसमें टोटल वायलेंस है, अगर हम ये कहें कि मारना ही वायलेंस है, तो मारना अकेला वायलेंस नहीं होता है। आप उन शब्दों के पीछे भी जाइए जो बहुत ही प्यार से बोले हुए शब्द है, मगर दिमाग में सिर्फ वायलेंस ही चल रहा है, जिसका नमूना आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। क्योंकि अब अधिक ने जो रोमिल और पाखी को फिर से बात करते हुए देखा है, क्योंकि उसने जैसे पाखी को डांटा था कि तुम उसकी साइड क्यों लेती हो, तुमने रोमिल को क्यों बचाया, तो उसका कहना यह था कि रोमिल के बारे में झूठ बोल देती, अपने पति को बचाती ना, तुमको सच बोलने की जरूरत क्या थी। तो यहां पे अब अधिक दोस्तों, क्योंकि अधिक को पता तो है कि पाखी कैसी है, पाखी रोमिल को छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है, उसको पूरा इस बात का एहसास है, मगर वो इन दोनों के रिश्ते को कोई और ही नाम देगा, और पाखी को जो बंद कमरे में उसको सुनाता है उसको वहां पे सुनाएगा कि तुम जो रोमिल के साथ कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है, क्या रिश्ता है तुम्हारा रोमिल के साथ, या किसी अलग तरीके से इनके रिश्ते को कोई गंदा थॉट देगा। और ये सबके सामने नहीं करेगा, ये पाखी के साथ ही करेगा, ताकि पाखी को रोमिल से मिलने से रोके कि अगर तुम उससे बार बार मिलती हो तो उसका मतलब मैं यही निकालूंगा, कोई भी हस्बैंड यही निकालेगा, इस तर्क के साथ पाखी के साथ बात करेगा। तो आप सोचिए कि पाखी इस वक्त एक ही जोन में है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ता सुधारना है, मुझे अधिक को सुधारना है, अधिक को सबके सामने अच्छा दिखाना है। तो इसलिए वो अधिक की हर बात को मानती जा रही है, अपने मुंह पे पड़ते हुए थप्पड़ों को भी सहती जा रही है, ताकि अधिक बुरा ना दिखे। और अब जब अधिक ये बात कहेगा तो रोमिल तो इस बात को समझ जाएगा कि अधिक गेम खेल रहा है, मगर पाखी नहीं समझेगी। पाखी एक हस्बैंड की प्रोटेक्टिव नेचर को समझेगी, एक पोजेसिव नेचर को समझेगी कि ये पोजेसिव हो रहा है, और ये सोच के कि ये रोमिल के साथ क्यों मिलती है, तो अगर ये ऐसा सोचता है कि मैं रोमिल से ना मिलूं तो मैं रोमिल से बात नहीं करूंगी, पाखी ये लेवल तक पहुंच सकती है दोस्तों। मगर ये लेवल पर पहुंचाने वाला अधिक है, क्योंकि अधिक का थॉट प्रोसेस पाखी को सबसे तोड़ना है, खास करके उन लोगों से जो अधिक के खिलाफ है।
क्योंकि पाखी अनुपमा को तो कभी भी नहीं छोड़ती है, कभी भी उसकी बेइज्जती कर देती है। अनुज मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है, बरखा अधिक की साइड में ही है, अंकुश का ज्यादा पता नहीं चलता है, ना ही उसकी साइड का कोई इतना इफेक्ट पड़ता है। अब रोमिल है जो पाखी को बार बार सही आईना दिखाता नजर आता है और इसी से अधिक को डर है, और रोमिल को पाखी से दूर करने के लिए अधिक ये बड़ा पैंतरा दोस्तों खेलने वाला है, जिसमें पाखी के सामने इन दोनों के रिश्ते पे वो सवाल उठा देगा और कहेगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारा उसमें कोई है नहीं, मुझे लगता है, मगर तुम्हें मेरे लिए उससे दूर रहना पड़ेगा, अगर मैंने तुम्हें उससे बात करते देख लिया तो फिर तुम देखना क्या होता है। तो ऐसी सब चीजें दोस्तों अधिक कर सकता है, क्योंकि अब वो इसी मूड में लग रहा है, एक शैतानी अधिक जो बन के रह गया है, तो मुझे ये लगता है। बाकी आप भी बताइएगा, क्योंकि आज कुछ नहीं बोला है अधिक, मगर जो उसने देखा है और उसके बाद जो करने वाला है उस पर हम अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.